नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विकी कौशल ने कैटरीना कैफ से शादी की और शादी के बाद विकी कौशल लगातार सुर्खियों का हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन जब सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ था, उसके बाद जो सबसे ज्यादा लीडिंग टॉपिक में से एक टॉपिक था वो थी ड्रग्स की बातें। जी हाँ, ड्रग्स केस जो सामने आया था, जिसमें जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का नाम सामने आया था, उसमें 2019 का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद एक बड़ा एक्शन हर स्टार पर लिया गया था। आपको बता दें कि इस पार्टी में विकी कौशल भी मौजूद थे और जिस तरह से विकी कौशल दिखाई दे रहे थे, उस तरह से यही कहा जा रहा था कि विकी कौशल नशे में है। जी हाँ, आपको बता दें कि ये वीडियो जो थी ये 2019 की थी और बाद में इस वीडियो पर चर्चा हुई। जी हाँ, सभी लोगों पर एक्शन लिया गया, जैसे कि दीपिका पादुकोण, करण जौहर, विकी कौशल समेत आपको बता दें रणवीर कपूर से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का नाम सामने आया था जो इस वीडियो में दिखाई दे रहे थे। लेकिन सबसे आपत्तिजनक जो दिखाई दिए थे वो दिए थे विकी कौशल, और विकी कौशल का नाम सबसे ऊपर था, जिस पर विकी कौशल ने अपना रिएक्शन भी दिया था। विकी कौशल ने इस वीडियो के बारे में यही कहा था कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ चिल कर रहे थे, सिर्फ पार्टी कर रहे थे, हमने किसी भी तरह का कोई ड्रग्स नहीं लिया। मैं अगर ऐसा लग रहा था तो इसके पीछे वजह ये थी कि कुछ दिनों पहले ही मैं डेंगू से ठीक हुआ था और मैं बहुत एक्साइटेड था यहाँ पर पार्टी करने के लिए, और यहाँ पर करण जौहर की माँ भी मौजूद थी, तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। जिस तरह की बातें हो रही है, जिस तरह की चर्चाएं चल रही है, तो आपको इसको लेकर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना।